गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ माइक लैम के लिपस्टिक्स के रिव्यू। जैसे कि आप तो शायद जानते ही होंगे या फिर आप नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे भी नहीं पता था माइक लैम के बारे में। सो मुझे भी किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि माइक लैम ऐप से आप एक सर्वे के थ्रू एक लिपस्टिक ले सकते हैं, वो भी फ्री पे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका, लेकिन आपको इसमें शिपिंग चार्जेस जो होता है वो पे करना होता है। सो उसकी जो प्राइस है वो 99 हो जाती है। तो आपको 99 रुपीज़ पर लिपस्टिक के लिए पे करना होता है और आपको एक सर्वे करना होता है। आपको एक सर्वे लिंक पे क्लिक करना होता है और सर्वे को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्री लिपस्टिक को परचेज करने का। सो आप उसे अपने कार्ड पे ऐड करके आप उसे परचेज कर सकते हैं। एक कोड आता है, उसे आपको डालना होता है। माई ग्लैम की तरफ से फ्री लिपस्टिक का कोड आता है, उसे आपको कोड पे, प्रोमो कोड पे डालना होता है और आप लिपस्टिक जो है वो फ्री पे परचेज कर सकते हैं। और उसकी प्राइस हो जाती है 99। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है, जो पर लिपस्टिक की एक्चुअल प्राइस है, वो है 395 रुपीज़ इसकी एक्चुअल प्राइस है। और आपको ये सर्वे के बाद, अब जब सर्वे कर लेते हैं उसके बाद ही आपको 99 रुपीज़ में मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। और गाइस ये दो लिपस्टिक्स मैंने परचेज किया है माई ग्लैम से, क्योंकि पहले जो मैंने परचेज किया था उसकी क्वालिटी, उसका टेक्सचर और जो भी उसके, मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतना अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इसके बाद मैंने इस सेकंड वाला भी परचेज किया है। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में इन दोनों लिपस्टिक्स के स्वॉचेस भी दिखाऊंगी और लिप स्वॉचेस भी दिखाऊंगी, हैंड स्वॉचेस भी दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी भी कि ये लिपस्टिक कैसे हैं और कितने टाइम तक आपके लिप्स पे स्टे करते हैं। सो गाइस अगर आपको भी ये वाला लिपस्टिक चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल पाए कि आप ये लिपस्टिक कैसे ले सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में और ये सर्वे के थ्रू। तो सर्वे लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। माइक लैम के लिपस्टिक में जो मेरा पहला शेड है वो है डेटर व्यू और एक मेहरून काइंड ऑफ शेड है। ये थोड़ा सा डार्कर शेड है, रेड एंड मेहरून का इसमें मिक्स है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप किसी पार्टी वेयर या फिर वेडिंग गेस्ट मेकअप आप जब क्रिएट करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये वाला जो शेड है वो सारी आउटफिट्स के ऊपर परफेक्टली मैच कर जाता है। सो अगर आपको रेड काइंड ऑफ शेड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, डार्कर शेड अप्लाई करना, तो ये वाला शेड बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। ये है डेटर व्यू, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ये लेना हो तो। और ये लिपस्टिक की जो फ्रेग्रेंस है, जो स्मेल है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपको ऐसा लगेगा कि आप चॉकलेट खा रहे हैं या फिर चॉकलेट की स्मेल जैसे होती है वैसी लगती है। और ये बहुत टाइम तक स्टे करती है इसकी फ्रेग्रेंस भी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। और दोनों की ही जो लिपस्टिक के शेड्स हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इंडियन स्किन टोन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ये वाला न्यूड शेड है। इसका शेड नेम है स्विंगर और ये परफेक्ट न्यूड शेड है। अगर आप मेरी स्किन टोन वाले हों या फेयर डस्की स्किन टोन वाले भी हों तो ये वाला शेड बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली न्यूड शेड लगता है आपकी स्किन टोन पे। सो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप न्यूड शेड लवर हैं तो। बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली मैच कर जाता है ये सारे स्किन टोन के लिए। एंड गाइस इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट शेड्स भी मिल जाती हैं, तो अगर आपको डिफरेंट वन लेना हो तो आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो इसमें बहुत सारे शेड रेंज आपको मिल जाएंगे। और गाइस इसी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपके लिप्स में बहुत ही जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। अब इसका हैंड स्वॉचेज में आप लोगों को दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से कन्फर्म हो जाए कि इसका शेड कैसा है। सो ये ड्राई आउट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगता है आपके लिप्स में, परफेक्ट मैट लिपस्टिक है ये। सेकेंड जो मैं हैंड स्वॉच कर रही हूँ वो है डेटर व्यू और ये डार्कर शेड है और ये भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप रेड लिपस्टिक शेड के लवर हैं तो ये वाला शेड आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डेटर व्यू। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा आपके लिप्स पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका पिगमेंटेशन है। इस लिपस्टिक की बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है गाइस, चाहे आप न्यूड लिपस्टिक देख लें चाहे आप डार्कर लिपस्टिक देख लें। अगर मैं टेक्सचर की बात करूं तो इसकी पिगमेंटेशन की बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एकदम मैट है, बिल्कुल थोड़ी देर पे ही ये ड्राई हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है ये ड्राई आउट होने में, बहुत ही जल्दी आपके लिप्स पे ये ड्राई हो जाता है
और बहुत ही अच्छा मैट लुक देता है आपके लिप्स में। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरे लिप्स में, मैंने ये वाला शेड अप्लाई किया है स्विंगर, और ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट न्यू शेड है। अगर आप भी, आपकी स्किन टोन मेरी जैसी है, तो ये आपके लिए परफेक्ट ब्राउन काइंड ऑफ न्यू शेड है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये वाला शेड सारे ही स्किन टोन के ऊपर मैच कर जाएगा। ये दोनों ही शेड्स ऐसे हैं जो आपकी स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे से मैच कर जाएगा। अगर आप कोई से भी स्किन टोन वाले हैं, चाहे आप ब्रिटिश हों, डस्की स्किन टोन वाले हों, या फिर फेयर स्किन टोन वाले हों, सो सारे इंडियन स्किन टोन के ऊपर ये वाला शेड जो है, दोनों शेड्स हैं वो परफेक्टली मैच कर जाते हैं। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसे ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल इसे सजेस्ट करूंगी ट्राई करने के लिए। बिल्कुल 99 रुपीज का है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, आपको माई ग्लैम की तरफ से ऐसे थैंक यू कार्ड भी मिलता है, इसमें श्रद्धा कपूर बनी हुई है, क्योंकि श्रद्धा कपूर का फेवरेट लिपस्टिक है। अभी तो आपको पता चल गया होगा, एड भी बहुत सारे आते हैं टीवी पे। सो गाइज, ये थैंक यू वाला है, और इसमें लिखा है कि आप रेफर करते हैं, अपने फ्रेंड को रेफर करते हैं, तो आपको इसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, और आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। सो आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिल जाएंगे, कोड्स मिल जाएंगे, जिसे आप अप्लाई करके बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स ले सकते हैं, और बहुत सारे माई ग्लैम के बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उन्हें भी परचेज कर 3 to 4 hours तक आपको रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड उसके बाद अगर कुछ आप ऑयली खाते हैं या फिर कुछ भी फूड इनटेक करते हैं, तो हो सकता है कि ये ट्रांसफ़र हो जाए। सो आप 3 to 4 hours तक ही इसे अपने लिप्स पे अप्लाई किए हुए। आज का ये मेरा यही वीडियो था इस माई ग्लैम लिक्विड मैट लिपस्टिक के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।